इसका मतलब ये कि जो कोई कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, इसके बजाय आप अपना अपने आप का एनालिसिस कीजिए, वो कौन सी बातें हैं जिसमें आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, पूरी तरह उसमें लग जाते हैं और वो उसके डिटेल में जाके ऐसा क्यों करते हैं आप, जिन कारणों से वैसा करते हो उन कारणों को आपने पकड़ लिया, उसी को आपने अपनी रेसिपी बना लिया और चीजों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 आपका कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। और एक तो खुद को जांचना परखना, और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है, आप जो कहते हैं कि भाई मुझे आप दे रहता है, बहुत लोग कहते हैं आप दे रहता है, लेकिन किसने आपको बुरा कह दिया, और एक वाक्य ने 10 वाक्य बुरे बोल गए, आप 6 साल के बाद भी उन 10वें से 10वें वाक्य याद रहते हैं, याद रहते हैं। इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया, आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया होगा और परिवार के दादा दादी ने उस पल इतने बढ़िया ढंग से आपको पुचकारा होगा, आपको आशीर्वाद दिए होंगे, आपको लगता हूं माँ दादा दादी से इतने सालों से मिला, क्योंकि वो पल में